दिनेशपुर थाना परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब ग्रामीण महिलाएं अपनी नाबालिग बच्ची को बरामद कराने के लिए पुलिस के पास थाने पहुंची। इस बीच थाना परिसर पर किसी बात को लेकर पुलिस कर्मी और ग्रामीण महिलाओं के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते पुलिस कर्मी और ग्रामीण महिलाओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। बड़ी मुश्किल से थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने मामले को शांत कराया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि उनकी नाबालिग लड़की 15 अगस्त को कहीं चली गई, लेकिन पुलिस कोई काम नहीं कर रही और लड़की ढूंढने के नाम पर पैसे की डिमांड कर रही है। वहीं थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और पुलिस की टीमें गठित की, जल्दी लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। नवभारत समाचार दिनेशपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। एक नाबालिग बच्ची से संबंधित एक मामला है जिसमें हमारे द्वारा FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें एक विशेष टीम बनाई गई है जिसमें रजनी गोस्वामी को प्रभारी बनाया गया हुआ है और कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, एक सब इंस्पेक्टर प्रीति उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और जल्दी से जल्दी हम इसे बरामदगी करने का प्रयास कर रहे हैं। गाँव वाले वहीं आके पुलिस से काफी बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रहा है, उसी समय क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, उनका कहना यह है कि जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए हमारी बेटी को। तो स्वाभाविक सा रहता है कि किसी की बच्ची अगर गुम हुई रहती है तो मन में थोड़ा सा आक्रोश रहता ही है, तो उनकी बातों को सुना और समझाया और समझ भी गए और पुलिस को भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हम भी जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत बरामद करेंगे। सर, क्षेत्र में लगभग एक महीने में अतिरिक्त नाबालिग लड़की, कोई 12 का, कोई 13 का, कोई 14 की लड़की अपहरण हो रहा भाग जा रही है। अब आप खुद प्रश्न रहते हो, आपके यहाँ पर अटैक भी करते हैं, मतलब थाना प्रदर्शन करते हैं, इसके लिए आप उस पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैसेज, ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे द्वारा बीच बीच में चलाए जाते हैं, हम माँ बाप से भी बोलते हैं और जो हमारे स्कूल हैं स्कूलों में भी जाकर हमारे द्वारा काउंसलिंग की जाती है, तो इसी पे हमारा प्रयास रहेगा। आगे भी काउंसलिंग करेंगे, बच्चों को स्कूल में जाके काउंसलिंग कराएंगे कि ये जो भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उस पे कमी आए। पूरा मामला क्या है, कोई रिपोर्ट ही नहीं लेता था और अब परेशानी हो गई है हमें। वो सरदार के साथ गई है, उसका पूरा पता बता दिया, ये लोग सारा काम करके दिया और तब भी हमको कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है और कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा। वाले टाइम कब से लगेगा, 6 दिन हो गए, मेरी लड़की 15 अगस्त से गायब हुई है और लगा ले वो सरदार लोग मार देंगे तो किनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है। उसके बाप को पकड़ के लाए 15 अगस्त के दिन के बाद, 16 जनवरी वो उसको तो क्या कहते हैं उसको लेके आया 16 तारीख को, तो वो भी छोड़ दिया शाम को। हमने बताया उसको अभी पता, लड़के का एड्रेस भी हमने बताया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से हमारे ऊपर क्या कहते हैं भड़क रहे हैं और उससे पता नहीं पैसे लिए हैं उन्होंने, 5,000 लिए, पता नहीं कितने लिए हैं। और रजनी मैडम हम में ही भड़क जाती हैं, बताओ ये काय की नौकरी कर रही है, हमारी कर रही है या सरकार की कर रही है? जब हमको किसी को जनता को नहीं देखेंगी तो किसको देखेंगी, बताओ हम कहाँ जाएंगे जनता लोग? और ऊपर से हम में भड़कती है, तुम्हारी लड़की है ऐसी ऊँची, वो उसको कह रहे हैं क्या कहते हैं उसमें फोन है, फोन है तो बात का, 4 लड़कों ने मदद करी है, अब हम करेंगे उसका पता? स्कूल में थोड़ी आएंगे, हम घर में ही तो देखेंगे, रस्ते में थोड़ी देखेंगे। क्या है पूरा डिटेल बताइए। इसकी डिटेल ये है, सबसे पहले 15 तारीख को लड़की 15 अगस्त के दिन स्कूल में आई थी, स्कूल के बाहर अब पता नहीं किसके साथ आई, किसके साथ कौन लेके गया। उसके बाद फिर हम शाम के टाइम तक उसे देखा सहेलियों के घर, रिश्तेदारों में कि लड़की है तो नहीं, कहाँ है लड़की। उसके बाद फिर हम शाम रात को यहाँ आए थाने में, थाने वालों ने कहा ठीक है एप्लीकेशन दे दो आप सुबह आना। उसके बाद हम सुबह आए, फिर दूसरे आ जाते हैं कैसा इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, आप ऐसा करो। फिर तीसरे दिन फिर हम आए, उसके बाद फिर हमें कहा गया आप बेरिया जाओ, बेरिया से हमारी बात कराना, वहाँ की पुलिस जाएगी, जिसका मोबाइल नंबर लिख रहा जिस लड़के का। तो पुलिस हम बेरिया गए, बेरिया वालों ने कह दिया कि आप ऐसा है, हम क्यों जाएंगे, हमारा काम नहीं है ये, तो वहीं की पुलिस आएगी दिनेशपुर की। फिर हमने यहाँ फ़ोन लगाया कि सर ये तो जा ही नहीं रहे हैं, फिर यहाँ बुलाया हमें, यहाँ आते हैं तो फिर सर वो गायब। फिर तीसरे चौथे दिन फिर मैडम को दे दिया जाता है ये केस, मैडम ने फिर कहा कि आज नहीं है टाइम, एक दो। फिर दूसरे दिन को हमने जब रिपोर्ट ली हमारी, उसके बाद हम मैडम को साथ ले गए, तो गाड़ी हमने बुलाई थी, मैडम ने कहा गाड़ी कर लो ठीक है, मैडम ने कहा कि ये गाड़ी जो है इसमें मैं नहीं जाऊंगी, मैं एसी वाली अपनी गाड़ी में जाऊंगी। फिर हमसे कहा गया कि इसमें तेल डाल देना, चलो ठीक है कोई बात नहीं है हम तेल डाल देंगे 1,000 का, कि 3,000 रुपये मांगे थे, 3,000 रुपये दिए इनको। उसके बाद फिर मैडम गई हमारे साथ वहीं पर, तो उस लड़के को लेकर आए, उस लड़के के बाद उसकी छानबीन की, उसे पूछताछी करके उस लड़के को भी उन्होंने छोड़ दिया, हमसे पूछा नहीं, उसे भी छोड़ दिया। उसके बाद इसके ये जो लड़का चोर, हमने वीडियो कैमरे में देखा उसका, लड़के का फ़ोटो निकाला जो मुजलिम है, उसका फ़ोटो निकाल के
उसके बाद हमने यहाँ दिया कि लड़का ये है, फिर उसके घर भी हमने पता किया। तो ये जब हमारे साथ गए, उसके घर गए, हम लड़के को बाप को उठाया, उसके बाद उठा कर जो हम साथ में गए थे हमें उतार दिया गया, और उसको पता नहीं लड़के के बाप को कहाँ से छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। फिर बाद में वही किस्सा, फिर हम दूसरे दिन फिर आते हैं तो मैडम कहती है कि लड़की तुम्हारी मिल गई है, ठीक ठाक है, आ जाएगी तुम्हें, हम 12 बजे तक दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। अब 6 दिन हो गए।